हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 11th स्टैंडर्ड का जो 10th चैप्टर है एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट किया था। इसमें हमने सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सेल जंक्शन क्या होता है इसको समझने वाले हैं। देखो, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास दो तरह के एग्जाम्पल है, एक है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, और उसके बाद में हम सेल जंक्शन पर डिस्कस करेंगे। देखो, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये कंपाउंड तरह का टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है। कंपाउंड होना मतलब अलग अलग तरह के लेयर्स आप इसमें देख सकते हो, कुछ चेंजेस आप इसमें देख सकते हो, इसीलिए इसे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू कहा गया है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आप इसमें अलग अलग तरह के लेयर्स बना सकते हो। मतलब अगर आप स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू को देखोगे तो आप उसमें अलग अलग लेयर्स को देख सकते हो, इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कहा जाता है। दो तरह के बेसिक लेयर के बारे में डिस्कस किया गया है। जो नीचे वाली बॉटम लेयर होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसे कहा जाता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। देखो, स्ट्रैटम का मतलब स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, और जर्मिनेटिवम का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाली। तो ये जो नीचे वाली लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू को प्रोड्यूस करती है, सेल डिवीजन की इसमें पावर होती है, इसीलिए ये जो बॉटम वाली लेयर होती है उसे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम कहा गया है। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है फ्री एंड वाली लेयर, फ्री एंड मतलब देखो टिश्यू में हमने जो बोला था वो नीचे बेसमेंट लेयर होती है और बेसमेंट लेयर के अपोजिट वाली लेयर जो होती है, अपोजिट वाली साइड जो होती है उसे हम फ्री एंड कह रहे हैं या फिर फ्री सरफेस कह रहे हैं। ये जो फ्री सरफेस होता है, यहाँ पर जो सेल होती है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू के, वो फ्लैट होती है सारी की सारी सेल और उनकी लेयर्स बनती जाती है, और ये लेयर जो होती है इसमें इसके किसी भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और इसे स्ट्रैटम कॉर्नियम कहा जाता है, ठीक है। अब फंक्शन होता है इसका प्रोटेक्शन, जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू होता है इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। तो ये सरफेस बनाएगी किसी भी, मतलब स्किन का सरफेस बनाएगी, इसोफेगस है, इसोफेगस का जो सरफेस होगा उसको प्रोड्यूस करने में, उसको फॉर्म करने में जो होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन में देखने को मिलता है आपको, इसोफेगस में देखने को मिलता है, कॉर्निया में देखने को मिलता है, वजाइना में देखने को मिलता है और रेक्टम में आपको ये सारी जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू है वो देखने को मिलेगी। ये था स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अभी हम ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, देखो ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। तो ये जो टिश्यू होते हैं ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, इनका जो शेप होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो सकता है अगर आप इसे स्ट्रेच करोगे। तो जिस ऑर्गन को स्ट्रेच की ज़रूरत होती है, जो ऑर्गन स्ट्रेच होते रहते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल जाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जैसा ही होता है। देखो, डिस्टेंशन ऑफ ऑर्गन जो होता है, मतलब जहाँ पर ऑर्गन के को स्ट्रेच होने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ट्रांजिशनल इपिथेलियम होता है। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर को जैसे जैसे वहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता जाता है वो स्ट्रेच होता जाता है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे सेल को अच्छे से तो उसका शेप और जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाता है प्रेशर की वजह से, क्योंकि यूरिन कलेक्ट हो रहा है उसमें, स्ट्रेच हो रही है वो यूरिनरी ब्लैडर। तो इस तरह से हमारे पास है ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। ये था कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जहाँ पर हमने दोनों स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। अभी तक हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पूरे जो कल का सेशन था और आज का सेशन था उसमें। तो ये जो टिश्यू होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, इसकी सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है, और साथ साथ ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये सारी की सारी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से भी जुड़ी हुई होती है। मतलब इपिथेलियल टिश्यू में सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। इस जुड़ाव को, जुड़ना मतलब जंक्शन, जहाँ पर दो चीज़ें मिक्स हो जाती है या फिर अटैच होती है उसे आप जंक्शन कहते हो। तो हमें सेल जंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो मतलब इपिथेलियल टिश्यू में सेल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जंक्शन फॉर्म करती है। ये जंक्शन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन में क्या होता है कि दोनों सेल जो होती है उसकी जो वॉल होती है, दोनों साइड होती है, वो एक दूसरे से एकदम सिटी हुई होती है, चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से टाइट जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन का फंक्शन क्या होता है, देखो, ये पोलैरिटी प्रोवाइड करती है सेल को। सेल को पोलैरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब अगर सेल कुछ सिक्रीट कर रही है, कुछ केमिकल रिलीज कर रही है, तो जो केमिकल रिलीज होगा वो ऊपर के सरफेस से होगा, ना कि साइड सरफेस से होगा, क्योंकि साइड में क्या है, टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन की वजह से वहाँ से जो केमिकल होंगे वो लीक नहीं होंगे, वो जहाँ पर केमिकल को सिक्रीट होना है उसी डायरेक्शन में वो केमिकल सिर्फ सिक्रीट हो पाएंगे। ये टाइट जंक्शन का फंक्शन होता है। तो टाइट जंक्शन अगर प्रेजेंट होगा दो सेल के बीच में, तो जहाँ पर टाइट जंक्शन प्रोवाइड होगा वहाँ से केमिकल्स जो होंगे वो और आयंस जो होंगे वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे सेल टू सेल, ठीक है। तो ये था टाइट जंक्शन के बारे में। दूसरा होता है गैप जंक्शन।
तो गैप जंक्शन जो होता है वो टाइट जंक्शन से अपोजिट होता है, इसमें चैनल्स होते हैं और इस चैनल्स की मदद से, चैनल्स मतलब पोर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई ओपन स्पेस हो सकती है, उस ओपन स्पेस में से केमिकल्स और जो आयंस होगा उसका एक्सचेंज हो पाता है सेल्स के बीच। तो अगर सेल्स के बीच गैप जंक्शन प्रेजेंट है, जहाँ पे जी जेस कहा गया है इसको, ठीक है, इतना कुछ हमें शॉर्ट फॉर्म पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गैप जंक्शन जो होगा वो गैप जंक्शन इस तरह का जंक्शन होता है दो सेल्स के बीच में कि उसमें से आयंस और केमिकल्स जो होंगे वो एक चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। उसके बाद में आता है एडहेरेंस जंक्शन। तो एडहेरेंस जंक्शन, एडहर करना मतलब चिपकना, तो सिर्फ दो सेल को अगर पकड़े रखता है, ठीक है, तो इस तरह से के जंक्शन को आप एडहेरेंस जंक्शन बोलते हो। इस एडहेरेंस जंक्शन का फंक्शन होता है सिग्नलिंग पाथवे। सिर्फ ये दो सेल्स के बीच का जो होता है, दो या फिर उससे ज़्यादा सेल्स के बीच कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उनके बीच में सिग्नल्स जो होंगे वो ट्रैवल होंगे, तो उसमें हेल्प करेगा एडहेरेंस जंक्शन। उसके बाद में आता है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स जो होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेस्मोसोम्स क्या होता है कि एकदम टाइट जंक्शन होता है, कनेक्शन होता है दो सेल्स के बीच में। तो अगर आप दो सेल्स को सेपरेट करने की कोशिश करोगे और उसके बीच में अगर डेस्मोसोम प्रेजेंट है, तो वो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगी, उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होगी, ये जो अगर आप स्किन को खींचोगे अपनी, तो वो स्किन निकल नहीं जाती है आपकी, है ना, सेपरेट नहीं हो जाती जिस पार्ट को आप खींचते हो, तो उनके बीच में डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डेस्मोसोम्स सेल्स को सेपरेट नहीं होने देना, उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कार्डियक मसल्स में होते हैं प्रेजेंट, मेनिंगस मतलब ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है डेस्मोसोम्स, और इपिथिलियल टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो एक दूसरे से दूर नहीं जाती। उसके बाद में का जो सेल जंक्शन है वो होता है हेमिडेस्मोसोम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि दो सेल्स को स्ट्रांगली एडहर करता है, पकड़ के रखता है दो सेल को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को सेल के साथ में पकड़ के रखने का काम करता है। साथ साथ ये सेल सिग्नलिंग का भी काम करता है, मतलब दो सेल्स के बीच में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, तो उसमें भी जो हेमिडेस्मोसोम है वो हेल्प करेगा। ऊपर से सेल सिग्नलिंग में, मतलब किसी तरह का सिग्नल अगर ट्रांसफर होना है दो सेल्स के बीच में, तो उसमें जो भी जो होगा वो सेमिडेस्मोसोम जो होगा वो उस तरह का जंक्शन हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो जो था वो कंपाउंड इपिथिलियल टिश्यू के बारे में था, सेल जंक्शन के बारे में था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड सेशन है, हम यहाँ पर सवाल पूछेंगे। हर वीडियो के आखिर में एक सवाल पूछा जाएगा। हमने जो कल किया था इपिथिलियल टिश्यू, उसमें से आपको जो स्क्वाइमस इपिथिलियल टिश्यू है उसके फंक्शंस क्या होते हैं ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सवाल पूछूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।